फॉर संस्कृत। कल मैंने आपको चैप्टर 5 में पुलिंग शब्द तीनों वचनों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में बताया था पुलिंग शब्द का। तो पुलिंग शब्द में सबसे पहले कल मैंने बताया था कि यदि पुलिंग शब्द को हम लेते हैं, कोई भी एक शब्द लेते हैं, जैसे हाथी, हाथी को संस्कृत में गजह बोलते हैं, गजह। ये एक गजह गौ, इसको यदि हम संधि विच्छेद करते हैं, अलग अलग करते हैं वर्ण के आधार पर, तो यहां होता है गौ जोर और जोर जौ जोर औ। आप देख रहे हैं कि अंत में जौ में औ आया, यानी पुलिंग का औकारांत एक वचन के लिए है। और उसके साथ क्या करते हैं हम, विसर्ग जोड़ते हैं, तब वह संस्कृत का एक वचन बनता है गजर। तो द्विवचन में, उसके द्विवचन में मैंने कल बताया था कि द्विवचन में उस शब्द में औ की मात्रा जोड़ देंगे, तो बन जाएगा गज में औ की मात्रा जोड़ने पर वह शब्द बन जाएगा गजो। एक हाथी, दो हाथी। तीसरा, बहुवचन जब हम बनाएंगे तो उसमें गज शब्द में आ और विसर्ग जोड़ देंगे, तो बन जाएगा गजा। अब ये एक वचन में गजह, दुई वचन में गजो, बहुवचन में गजा, एक हाथी, दो हाथी और अनेक हाथी। उसमें अनेक में आप तीन भी ले सकते हो, एक्सेट्रा, आपको जितना तक गिनती करना है कर सकते हो, वह बहुवचन शब्द आ जाएगा। तो चले हम आंसर में। तो आंसर में चित्र में दिया हुआ है, चित्र आपको नहीं बनाना है कॉपी में, आपको सिर्फ आंसर लिखना है। जैसे मछली है, मानी एक मछली, तो उसको हम बोलते हैं, मछली को मत्स्य, या फिर दूसरा नाम भी है संस्कृत में उसे मीना कहते हैं, मीना। दूसरा है आपको दो कछुआ दिख रहा है, यानी द्विवचन, दो कछुआ यानी द्विवचन, तो कछुआ को हम कहते हैं एक वचन में पूर्व, तो द्विवचन में ओ की मात्रा जुट जाएगी तो वो हो जाएगा पूर्व, पूर्व, दो कछुआ। और तीसरा है आपका बहुवचन है, कह रहा है केकड़ा, तीन केकड़ा है, मतलब बहुवचन है, तो हो जाएगा उसमें आकार, उसको एक वचन में होगा करकटहर, यानी एक केकड़ा, तो बहुवचन में आकारांत और विसर्ग जुड़ जाएगा करकटा। देखिए मत्स्य है एक मछली, उर्मो दो कछुआ, करकटा अनेक केकड़ा। फिर उसके नीचे आते हैं तो हम देख सकते हैं, कह सकते हैं बालकह भी कर सकते हैं, एक फिगर बना हुआ है एक आदमी का, या कर सकते हैं एक लड़का का, तो एक है तो हम बालकह भी कर सकते हैं, बालकह मतलब एक लड़का, या फिर आपको लगता है वह आदमी है तो उसके बदले आप कर सकते हैं नरह, यानी कि कुछ नरह, आप जो इमेजिन करेंगे, आप आदमी है आपको दिखता है तो आप नरह एक वचन, आपको लड़का दिखता है तो आप बालकह एक वचन। इसके बाद में है दो पक्षी, दो पक्षी है खग बोलते हैं, एक वचन में उसे हम खगह बोलते हैं, तो खगह को हम क्या कह सकते हैं, दो वचन में खगऊ, औ की मात्रा जुट जाएगी खगऊ। और तीसरा जो है, बहुत सारे चूहा दिख रहे हैं, तो पुलिंग शब्द में चूहा को मुषकह बोलते हैं, एक वचन हो गया, तो उसको हमें बहुवचन बनाना होगा, कैसे, तो मुषकह एक वचन, मुषको द्विवचन और मुषकाह बहुवचन। मुषका बहुवचन, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं।
क्वेश्चन नंबर टू, ग्रह निम्नलिखित शब्दों को वचन के अनुसार छांटे। वचन के अनुसार, वचन मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे एक वचन, एक कॉलम बना लेंगे, द्विवचन और बहुवचन। ये हमने तीन कॉलम अलग कर लिया वचन के अंदर। अब शब्द को हमें छांटना है। कह रहा है वृषाह, वृषह, वृषभ, वृषाह, बहुवचन शब्द वृषाह। फिर कह रहा है शशका, शशकः, शशकौ, शशका, शशका मतलब खड़ा, शशका बहुवचन। फिर कह रहा है सैनिका, सैनिक, सैनिकः, सैनिकौ, सैनिका, वो भी बहुवचन है, सैनिका। वृद्ध, बूढ़ा, एक वचन वृद्ध। हंसा मतलब अनेक हंस, हंसा बहुवचन शब्द है। कूर्म, दो कछुआ, द्विवचन, कूर्म। फिर है चंद्र, चंद्र मतलब चांद, एक चांद। फिर कह रहे कर्ण, कितने कर्ण हैं सबके पास, दो है, द्विवचन, कर्ण। और अंत में आता है तारका, तारका मतलब तारक, एक तारा, तारको, दो तारे, तारका, अनेक तारे, आसमान में अनेक तारे दिखते हैं, तारका। तो ये हमारा, हमने तीनों वचन में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में शब्द को अलग अलग छांट दिया। इसके बाद हम आते हैं, अर्थ लिखना है हमें, क्वेश्चन नंबर थ्री, अर्थ लिखना है हिंदी में। जैसे वह एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार है, तो हिंदी में हमें भी उस हिसाब से लिखना होगा। पूर्वाह दिया हुआ है, पहला शब्द है पूर्वाह, पूर्वा मतलब, पूर्वा मतलब कछुआ, पूर्वा, पूर्वो, पूर्वा, अनेक कछुआ। हम अनेक शब्द नहीं लिखेंगे, हमारा शब्द गलत हो जाएगा। सिर्फ हम कछुआ लिख देंगे, मतलब यहां पर याद आ रहा है पूर्वा बहुवचन शब्द है, तो हमें अनेक शब्द जोड़ना पड़ेगा, अनेक कछुआ। फिर है कर्कटह, एक वचन शब्द से संबंध रखता है, एक रात, हम एक लिखे या नहीं लिखे दोनों बराबर है। हम एक केकड़ा लिखेंगे तो भी एक ही रहेगा, और केकड़ा भी लिखेंगे उसका मतलब ही होता है एक। व्याघ्र, 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 दो बाघ, दो बाघ। मत्स्य, अनेक मछली, बहुवचन शब्द है, अनेक मछली। इसके बाद में है मंटुको, दो मेंढक, दो मेंढक। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर में। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है उचित शब्दों से रिक्त स्थान को भरे। जैसे दिया हुआ है द्विवचन में, दिया हुआ है मयूर, एक वचन और बहुवचन हमें लिखना होगा। फिर दिया है एक वचन में काका शब्द दिया है, मतलब द्विवचन और बहुवचन हमें लिखना होगा। तो हम आते हैं इस तरह से, जैसे पहला आपका बना हुआ है बुक में, आप देख रहे हैं उसको उतारना है कॉपी में, बना हुआ है। तो दूसरा हमारा यहाँ दिया हुआ है काक, यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ और यहाँ कह रहा है। फिर कह रहा है यहाँ कोकिला, कोकिला यहाँ दिया हुआ है, मतलब हमें द्विवचन और एक वचन लिखना होगा। फिर
वचन में शिष्यों दिया हुआ है, शिष्यों। तो एक वचन और बहुवचन में हमें लिखना होगा। फिर सिंघा दिया हुआ है हमारा एक वचन में सिंघा, तो हमें द्विवचन और बहुवचन लिखना होगा। तो आइए लिखते हैं काकः, द्विवचन में औ की मात्रा जोड़ देंगे काकौ, और बहुवचन में आ की मात्रा जोड़ देंगे काका, और विसर्ग काका अनेक हुआ। कोकिला बहुवचन में दिया हुआ है, तो कोकिला कोकिला पुलिंग शब्द यानी एक कोयल, यानी पुलिस को बोलते हैं पुलिंग, मादा कोयल सॉरी पुलिंग कोयल, नर जिसको बोलते हैं नर कोयल। और दूसरा हो गया आपको द्विवचन में को की लो, द्विवचन दो मादा कोयल दो नर कोयल और कोकिला दिया हुआ है। शिष्यों शिष्य एक वचन में, एक शिष्य इसको एक छात्र कह सकते हैं या एक छात्र, तो छात्रा स्त्रीलिंग शब्द हो गया, शिष्य छात्र पुल्लिंग शब्द हो गया। द्विवचन बहुवचन में शिष्या सिंह एक वचन में दिया हुआ है सिंघौ, और बहुवचन में सिंहा। इसके बाद में चले मैं क्वेश्चन नंबर फाइव। जैसे हिंदी में अनेक शब्द के बदले एक शब्द होता है, उसी प्रकार संस्कृत में भी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, उसका आंसर हमें संस्कृत में देना होगा। जैसे यहां पर क्या है, बहुत से अध्यापक बहुवचन शब्द हो गया, अध्यापक पुल्लिंग शब्द बहुवचन, क्या लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है अध्यापका बहुवचन अध्यापका। फिर है खो में कह रहे दो गधे, तो गधा को एक वचन में गर्धव कहते हैं, तो द्विवचन में क्या हो गया गर्धव। और एक सिया गौ श्रृंगाल सिया, एक वचन का हो गया गौ। बहुत तारे तारका, दो बैल विषऊ, और कई दुकानदार, एक दुकानदार को बोलते हैं हम आप निकह पुलिंग में, तो बहुत सारे हैं तो इसका हो जाएगा आप निकाह, बहुत से दुकानदार है कई दुकानदार। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों के द्विवचन और बहुवचन लिखे, द्विवचन और बहुवचन मतलब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक वचन में है। जैसे क्वेश्चन हम कॉपी पे जब लिखेंगे तो ये क्वेश्चन सब है मृगः मीनः कुक्कुरः कुक्कुरः नरः और वकः, वकः मतलब बगुला। तो एक वचन में सारा क्वेश्चन हो गया हमारा, तो इसका द्विवचन हमें लिखना है मृगौ मृगा मीनौ मीना
कुकुरा कुकुरो कुकुरा नरह नरो नरा और वकह वकहु वका। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन था, एक वचन ने द्विवचन और बहुवचन हमने बनाया। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखे, मतलब ये शब्द अशुद्ध है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अशुद्ध अशुद्ध शब्द। तो पहले अशुद्ध को हम कॉपी में लिख लेंगे हस्तो, ऐसे दिया हुआ है हस्तो। तालब्य शब्द संयुक्त है शशके, फिर है कूर्म, ये अशुद्ध शब्द है। हम क्या करेंगे, इसे शुद्ध करेंगे, हम यहां लिखेंगे शुद्ध। तो हस्तो गलत है, इस तरह से हम करें हस्तो कैसे होगा, हस्तो ये होगा शशके नहीं शशको, पुल्लिंग शब्द है शशको। पूर्म दुर्भुकार, देखो पूर्म। उसी प्रकार आपको मंडुकह का भी गलत है, तो मंडुकह का क्या हो जाएगा, मन दुर्भुकार हो जाएगा, ये हो जाएगा सही शब्द मंडुकह, सही हो जाएगा। ये मैंने नहीं लिखा है, कितना आपको दिखाया है मैंने उसको नहीं लिखा है। आकाश, देखो यहां दंत स्व दिया हुआ है लेकिन क्या होगा, आकाश अलब्ध स्व होगा आकाश। मुशको, मुशको विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग यहां नहीं होगा मुशको। कॉपी में लिखेंगे सुंदर से और वचन, एक वचन द्विवचन को याद करेंगे। धन्यवाद।